डबल नीडल इसमें चलती है किस तरह से, इसमें ओवर लॉक का काम ये। तो ये है हमारी दूसरी मशीन, नीचे बॉटम में जो हेमिंग होती है, तीन नीडल भी चल जाती है, पांच धागे चलते हैं, लॉक स्टिच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप भी मेरी तरह टी शर्ट बनाने का काम शुरू करना चाहते हैं तो कौन कौन सी मशीनों की आपको आवश्यकता पड़ेगी और मशीनों की प्राइस कितनी है वो भी मैं आपको बताऊँगा, और कौन सी मशीन किस काम में आती है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टी शर्ट बनाने के लिए जो सबसे पहली मशीन आपको लगेगी वो है ओवरलॉक, फोर थ्रेड भी इसे कहते हैं। डबल नीडल इसमें चलती है और चार धागे इसमें चलते हैं, दो सुई के धागे होते हैं और दो नीचे लूपर के धागे होते हैं। ये मशीन टी शर्ट में कंधी लगाने के काम में आती है, आस्तीन चढ़ाने के और साइड लगाने के काम में आती है। ये देखिए आप किस तरह से इसमें ओवरलॉक का काम ये करती है। टी शर्ट में आपने देखा होगा इस तरह से ये ओवरलॉक का काम करती है, कंधी वगैरह, टी शर्ट की कंधी, कंधी इससे जुड़ जाती है, आस्तीन भी इससे चढ़ जाती है और गले की नेक वगैरह भी इसी मशीन से लगती है। तो ये मशीन आपको आज की तारीख में पड़ेगी करीब 35,000 के आसपास ये आपको पड़ जाएगी। ये जब मैंने मशीन ली थी ये करीब 4 साल पहले ली थी। ये मॉडल नंबर है मशीन का, मॉडल नंबर है JAK804DM224। तो ये मशीन जब मैंने परचेस की थी करीब 3 से 4 साल पहले तो ये मुझे मिली थी 23,000 रुपये में, और आज की करीब इसकी कीमत 35,000 के आसपास हो गई है। तो ये थी हमारी पहली मशीन। तो दोस्तों, ये है हमारी दूसरी मशीन, ये है फ्लैट लॉक मशीन जो कि हेमिंग का काम करती है, आस्तीन में हेमिंग वगैरह और टी शर्ट की बॉटम वगैरह जो आपने देखी है, टी शर्ट में नीचे बॉटम में जो हेमिंग होती है इस तरह से, ये आपको दिख रही होगी, ये हेमिंग वगैरह का काम इससे करती है ये। तो इसमें चलती है ट्रिपल नीडल, तीन नीडल इसमें आती है, इसमें अभी दो लगी हुई है क्योंकि अभी अधिकतर दो नीडल का काम चलता है इसमें। वैसे कोई कोई टी शर्ट इस तरह की आ जाती है जिसमें तीन नीडल भी चल जाती है, और इसमें पांच धागे चलते हैं, ये तीन सुई में धागे चलते हैं और दो लूपर में चलते हैं। तो इस मशीन की प्राइस की बात करें तो ये मशीन आपको आज की तारीख में मिल जाएगी करीब 50,000 के आसपास ये मशीन आपको पड़ेगी। और जब ये मैंने मशीन परचेस की थी तो अब ये मुझे करीब 37,500 से 38,000 के आसपास ये मुझे पड़ी थी। ये मॉडल नंबर है इसका JAK85698DI, तो ये मॉडल नंबर है। तो दोस्तों, ये हमारी तीसरी मशीन लॉक स्टिच जिसकी आपको टी शर्ट बनाने में ज़रूरत पड़ने वाली है। टी शर्ट में इसमें जिस तरह से बेडिंग फिनिश वगैरह डाउन वगैरह करने के काम में आती है, गले में, आस्तीनों में, जहाँ भी सिलाई का काम रहता है तो सिलाई के काम में ये मशीन आपको आने वाली है। तो दोस्तों, बात करते हैं मशीन के प्राइस के बारे में। तो ये मशीन आपको करीब 25,000 के आसपास पड़ जाएगी। वैसे तो काफ़ी सारे मॉडल लॉक स्टिच में आते हैं, 22 से लेकर 25, 30, 40 हज़ार तक की मशीन आपको मिल जाएगी। तो ये तीनों मशीनें आपके काम में आने वाली है, पहली है लॉक स्टिच, दूसरी है ओवरलॉक और तीसरी है फ्लैट लॉक। तो दोस्तों, ये थी हमारी तीनों मशीनें जो आपको टी शर्ट बनाने के काम में आने वाली है। तीनों मशीनों के प्राइस की अगर बात करें, टोटल करें, तो करीब 1,10,000 के आसपास आपको कॉस्ट आएगी अगर आप टी शर्ट बनाने का काम शुरू करना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।